बड़ी दर्दनाक तस्वीर है, देखेंगे तो रो देंगे, दुखी हो जाएंगे, तकलीफ होगी, परेशान हो जाएंगे कि ऐसी तस्वीर क्यों। किसी की जान चली जाए, मौत हो जाए, उसके बाद ये बेबसी, ये लाचारी क्यों। बहुत तकलीफ होगी। सुकमा और बीजापुर से परेशान करने वाली तस्वीर आई, परेशान करने वाली। देखिए, नक्सल प्रभावित इलाका है, दो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बीजापुर की है, जहां एक बीमार महिला को खाट के सहारे इलाज के लिए ले जाया गया। इस तरह की तस्वीर जब भी आती है, मैं 8 बजे जरूर दिखाता हूं। कोई तो ऐसा दिन आएगा जब ऐसी लाचारी, ऐसी बेबसी खत्म होगी इस समाज से, इस सिस्टम से। गांव वालों ने रस्सी के सहारे नदी को पार किया। और दूसरी तस्वीर सुकमा की है, जहां एक नवजात बच्चे के शव को गोद में लेकर उफनते नाले को पार किया जा रहा है। यहां भी गांव वालों ने नाले को पार करने के लिए रस्सी का सहारा लिया। ये तस्वीरें बस्तर संभाग के दो अलग अलग जिलों से आई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। पहले बात कर लेते हैं बीजापुर के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र मारुड बाका गांव से तस्वीर आई है। एक बीमार महिला को खाट के सहारे नदी पार कराया जा रहा है। नक्सल प्रभावित गांव में विकास एक चुनौती है। यही वजह है कि इस गांव में ना तो अस्पताल है और ना ही एम्बुलेंस आने के लिए कोई सड़क। अब महिला बीमार हुई तो गांव वालों ने खाट पर लिटा कर पार कराया। तस्वीरें देखिए, दिखा दीजिए पूरा वीडियो। इस वीडियो को देखते रहिए, मेरे बगल में चल रहा है, और समझिए। लेकिन इन युवाओं को सलाम है, अपने गांव की महिला की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कराया। 20 से 25 साल के मारुडबाका गांव के नौजवानों ने महिला के इलाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। सीधे सीधे दिख रहा है, तस्वीरें बोलती हैं। पहले एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधी, फिर रस्सी को पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। गनीमत रही कि महिला को इन लोगों ने समय पर अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे समय पर इलाज मिल गया। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर के बाद अब आपको सुकमा से आई तस्वीर दिखा देता हूँ। ये वीडियो सुकमा के बेहद संवेदनशील इलाके कोलाई गुड़ा का है। यहाँ एक नवजात बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल सुकमा लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जान नहीं बचाया जा सका, जिसके बाद पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था। लेकिन नाले के ऊपर पानी बहने की वजह से पुल पार नहीं किया जा सका, क्योंकि बाढ़ बारिश का कहर अब भी जारी है। यहाँ भी गाँव वालों ने मदद की। गाँव वालों ने क्या किया? गाँव वालों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पुल के दोनों तरफ रस्सी बांध ली। इस रस्सी को पकड़ के परिजनों ने उफनते नाले को सुरक्षित पार किया। इसमें एक छोर से गेड़ापाड़ और दूसरे छोर से कोलाई गुड़ा के गांव वालों ने मदद की तस्वीर देख ली। दिखाई तस्वीर। हाथ में इस तरह से शव रखा गया है, किसी के घर का तो बच्चा होगा, कोई तो माँ होगी, परिजनों के अंदर क्या बीत रही होगी, सोचिएगा। बस्तर संभाग से आई ये दोनों तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। बस्तर में विकास पर सबसे ज्यादा ब्रेक क्यों लगा रहा, जानते हैं आप? सिर्फ एक ही वजह है, वो है नक्सलवाद। सड़कों को उड़ा देते थे भाई ये लोग, डरते थे लोग एक जमाने में इन इलाकों में जाने से। लेकिन अब अच्छी खबर है, इस दुख भरी तस्वीरों के बीच अच्छी खबर कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वादा कर दिया है, इसी छत्तीसगढ़ की धरती से कह दिया है, पाताल में भी छिपे होंगे नक्सली तो मारे जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। इसलिए अब धीरे धीरे विकास पहुंचने लगा है, एक भरोसा जगने लगा है। बीजापुर और सुकमा के जिम्मेदारों से निवेदन है, इन गांव वालों की मदद कर दीजिए। इन बुरी खबरों के बीच अच्छी खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा सबसे खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा के गांव तक पहुंचने लगे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा संकेत है। बस कुछ दिनों का इंतजार और फिर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास की बयार बहेगी, ऐसा वादा किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने।